हमारे अधिकारियों ने बहुत सोच बूझ का परिचय दिया है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश रहती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। जिस तरह मेरे शहर का सौहार्द बिगाड़ा है वो अक्षम्य है, जिसने भी बिगाड़ा है। क्योंकि मैं यहाँ से सांसद हूँ, मुझे बहुत कष्ट है। मैं सऊदी अरब में था इस समय, वहाँ टेलीफोन भी नहीं मिला। वहाँ से सीधे मैं कल संसद में उपस्थिति लगाने के बाद आज यहाँ आया हूँ अपने लोगों के बीच में। सचमुच दिल फट रहा है। जब मैंने अभी एक पत्रकार मित्र को देखा, आँखों से खून, मुख से खून, नाक से खून, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो समझा मैं चले गया, बेहोश हो गए और टायर जला के रास्ते ब्लॉक कर दिए। हमारे लोग न पत्रकार आ सकते थे न एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो तो एक JCP आ गई, उसने एकदम से साफ कर दिया। यानी ये कौन सी इंसानियत कर रहे हैं हम यहाँ पर? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तार तार कर दिया आपने, और इस तरह से पेट्रोल बम आपने थाने में डाल दिए, पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर डाल दिए, जगह जगह डाल दिए। ये कौन सा तरीका है? पथराव कर दिया, छतों में पत्थर कैसे आपने इकट्ठा करे? क्या प्लानिंग थी पहले से? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये चीज़ें तो धीरे धीरे खुलेंगी। और जहाँ तक ख्याल आप कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं पकड़े गए हैं, कानून के बहुत लंबे हाथ हैं, जो भी अपराधी होगा आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, दो आरोपी पकड़े गए हैं, उन दोनों की तस्वीरें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दी हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, मैं इसमें कुछ भी बोलना इस समय उचित नहीं समझता हूँ, कौन थे क्या थे तो कानून पे आने दीजिए। पकड़े गए हैं तो साक्ष्य भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी, जो अपराधी होगा वो सजा भी भुगतेगा। शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये तो हमारी पुलिस को पता होगा, सारे लोगों को, लेकिन जो देखने से लगता है कि पेट्रोल बम कहाँ से आए, कोई ना कोई अपराधी तो है ही, कोई ना कोई इसको चला तो रहा ही है। जो भी होगा, कुछ दिन और लगेंगे, दो चार दिन, सबके सामने आ जाएगा। अपील एक ही, मैं एक ही अपील करता हूँ सब लोगों से, कृपया सौहार्द न बिगड़ाएं, कोई न बिगाड़े। अच्छा सर, कोई भी वाणी से कोई ऐसे शब्द न निकालें जिससे सौहार्द बिगड़ता हो, वाणी संयम रखें। और जो कभी कभी हमारे विपक्ष के लोग हमारे पर एकाध छिटाकशी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, भाई हम कभी भी जाति धर्म वर्ग क्षेत्र पंथ इस पर कभी भी व्यवहार नहीं करते हैं, हमारी सरकारें नहीं करती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबको बराबर मानते हैं। राशन सबको बराबर फ्री में गया, वैक्सीनेशन सबको बराबर हुआ है, ऑक्सीजन सबको बराबर मिली है, दवाई सबको बराबर मिली है हर जगह पर, और 5 साल तक राशन हम और दे रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं। उसमें ये नहीं पूछते तो तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, किस पंथ का है, यहाँ तक नहीं पूछते हैं। इसलिए सौहार्द न बिगाड़ा जाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सबसे। क्या यूपी की तरफ बुलडोजर यहाँ देखने को मिलेगा? सबकी स्थितियां, देश की स्थितियां बेहतर होंगी, जो असामाजिक तत्व हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। सर, क्या करेंगे?